यूपी के जनपद बिजनौर नगीना में मुदित नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए मृतक के शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया और सड़क पर पूरी तरीके से जाम लगा दिया। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार वालों से जाम खोलने की बात की और तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में दिन प्रतिदिन प्राइवेट हॉस्पिटल में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से इस प्राइवेट हॉस्पिटल की शिकायत लिखित और मौखिक भी की जा चुकी है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने आज तक प्राइवेट नर्सिंग होम पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। मिथिलेश देवी पत्नी सतीश कुमार, जो ग्राम भागीजोत अफजलगढ़ की रहने वाली थी, अस्पताल की लापरवाही के चलते मिथिलेश देवी की मौत हो गई। आपको बता दें कि डॉक्टर और हॉस्पिटल का स्टाफ फरार हो गया, जिसके कारण परिवार वालों ने जाम लगाकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल जाम को हटवाया और परिवार वालों को आश्वासन दिया तहरीर के आधार और पोस्टमार्टम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों का कहना है कि डॉक्टर को सजा और हॉस्पिटल बंद करने की मांग, पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। यूपी के बिजनौर से ब्यूरो चीफ जहांगीर भारती की रिपोर्ट।